Welcome to all of you in the YouTube channel Horticultural Priest. I'm Hyder Ali. So play to plot experimental design आखिरी लेक्चर हमारा रहता था तो उसकी वीडियो अभी मैं बनाने लगा हूँ. So play to plot basically जैसा कि पिछला लेक्चर जो फैक्टोरियल का हमने डिस्कस किया है, so play to plot भी मल्टी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है. जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हो तो स्प्लिट प्लॉट की तरफ हम जाते हैं. अगर मैं पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ तो बेसिक तीन डिज़ाइन जो हमने डिस्कस किया और फाइनल सिलेबस में इंक्लूड है CRD, RCPD और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन. तो वो तीनों सिंगल फैक्टर बेसिक डिज़ाइन है. मल्टीपल फैक्टर्स में फैक्टोरियल और स्प्लिट प्लॉट. फैक्टोरियल हमने देखा तब लगाना है, हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं. तो सवाल यह है कि स्प्लिट प्लॉट की तरफ हमने क्यों जाना है. तो कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह पर से हम फैक्टोरियल से स्प्लिट प्लॉट की तरफ आते हैं. फैक्टोरियल बेसिकली हम तब लगाते हैं जब सारे के सारे फैक्टर्स की इक्वल इम्पोर्टेंस हो. अगर फैक्टर्स की इम्पोर्टेंस इक्वल ना हो तो हम स्प्लिट प्लॉट की तरफ आते हैं. दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि बाद एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये जो पहले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है जो पॉसिबल नहीं है, उनके छोटे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स नहीं बन सकते. फॉर एग्जांपल कुछ टिलेज मेथड आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ट्रैक्टर चलाना है, बूम स्प्रेयर के लिए चाह रहे हैं, ठीक है, कोई क्रॉस पोलिनेटेड वराइटीज हैं उनको सेपरेट सेपरेट लगाना है. कुछ एक्सपेरिमेंट्स की नेचर ऐसी होती है कि हम छोटे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स नहीं बना सकते, फिर उनमें हम स्प्लिट प्लॉट की तरफ जाते हैं. दूसरा जो मेन असल रीज़न है वो ये है कि अगर हम किसी एक फैक्टर के अंदर कुछ ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स तो हम स्प्लिट प्लॉट की तरफ जाते हैं. स्प्लिट प्लॉट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है कि ऑलरेडी आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा हो और आप एक नया फैक्टर ऐड करना चाहते हो, स्प्लिट प्लॉट में आप ऐड कर सकते हैं. बाकी जो डिज़ाइन है वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं देते, ठीक है जी. एक किसी फैक्टर के ऊपर आप ज़्यादा एक्यूरेसी ले सकते हैं तो स्प्लिट प्लॉट के अंदर. डिसएडवांटेज इसका एक ही है कि जो आपका मेन प्लॉट के अंदर फैक्टर आता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती, सब प्लॉट्स के अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, ठीक है, बाकी ये पढ़ लीजिएगा. दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये कि इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो अगर हम इसके लेआउट की बात करें तो स्प्लिट प्लॉट अगेन अंडर RCPD, CRD या लैटिन स्क्वायर ही लगेगा, क्योंकि CRD तब लगेगा जब सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होमोजीनियस हों. अगर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में होमोजीनियसिटी नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो फिर अंडर RCPD लगेगा. RCPD के अंदर लगेगा तो ANOVA टेबल के अंदर एक ही चेंज आएगी, एक ब्लॉक की भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करनी पड़ेगी. अगर CRD है तो हम नहीं, अभी मैं नीचे जाकर उसको एक्सप्लेन करता हूँ. तो इसका जनरल लेआउट प्लान है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो फैक्टर हैं, फैक्टर ए के तीन लेवल्स हैं मुख्तलिफ सोइंग डेट्स, ठीक है. वीट ब्रीडर वांट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ प्लांटिंग डेट ऑन द यील्ड ऑफ 4 वैरायटीज ऑफ वीट. ही चूजेस टू फैक्टर एज फॉलोज. प्लांटिंग डेट के तीन हैं, 20 अक्टूबर, 30 और 15 नवंबर. वैरायटीज चार हैं, B1, B2, B3, B4. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ऑपरेटिंग ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग ही डिसाइडेड टू यूज अ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन. पेपर में आपको क्वेश्चन क्या बेस्ट कैसे पता चलेगा, वो मेंशन होगा कि फैक्टर बी या वैरायटीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द सोइंग डेट. तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ हमने स्प्लिट प्लॉट लगाना है. विद प्लांटिंग डेट्स असाइंड एट रैंडम इन मेन प्लॉट विद इन ईच इफेक्ट ऑफ 3 ब्लॉक्स. तो जो भी हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको हम सब प्लॉट में अप्लाई करते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको मेन प्लॉट में अप्लाई करते हैं. ये यहाँ हाईलाइटेड किया हुआ है, ठीक है. वराइटीज वर देन असाइंड एट रैंडम टू द प्लॉट्स विद इन द प्लांटिंग डेट्स सब प्लॉट्स के अंदर, ठीक है. अगर RCPD के अंदर हम जाएँ तो तीन एप्लीकेशन है तो तीन ब्लॉक बना लेंगे हम, ठीक है जी. तो ये हमारा मेन प्लॉट होगा, ये पहले वाला. इसके अंदर हम 20 अक्टूबर को सोइंग कर देंगे, दूसरे के अंदर 30 अक्टूबर को, तीसरे के अंदर 15 नवंबर को. उस मेन प्लॉट के आगे हमने सब प्लॉट छोटे छोटे बनाए हैं, P1, P4, P2, P3, ये रैंडमाइज कर दिया गया बेसिकली. अदरवाइज तरतीब से होते हैं P1, P2, P3, P4, ठीक है. इसी तरह ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 को. ये ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 बेसिकली रेप्लिकेशन है, ठीक है जी. अदरवाइज ये पूरा एक लेआउट है, ये मेन प्लॉट होगा. और फील्ड के अंदर आप जाएं तो आपको बड़ा आसानी से, ज़्यादा आसानी से समझ आ सकती है. एक मेन प्लॉट के अंदर आपने वीट का फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्टिंग कर दी है तो उसके अंदर आप दो
मुख्तलिफ डोजेज को स्प्रे करना चाह रहे हैं तो आप उसको सब प्लॉट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, वेजिटेबल का अगर आपका एक्सपेरिमेंट है तो आप वो जो हम रोज बनाते हैं खेलियाँ उनको डिवाइड कर लेंगे। तो अगर ये सीआरटी में हो तो फिर ये ब्लॉक ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री नहीं होंगे, डायरेक्ट हमारा एक बड़ा प्लॉट होगा, उसके अंदर हम सारे के अंदर रैंडम कर देंगे हमारे ट्रीटमेंट्स को। ट्रीटमेंट इसके अंदर भी वैसे ही होंगे जैसे हमारे फैक्टोरियल के अंदर होते हैं। ठीक है, ए वन बी वन कम्बिनेशन, तो लेकिन यहाँ पर लेआउट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है अगर आप देखें तो, ये पूरे प्लॉट के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं मेन प्लॉट, ये ए टू जहाँ पर लिखा है इस पूरे प्लॉट की 30 अक्टूबर को सोइंग होगी, ये इसके ऊपर वन और ए टू लिखा है, इसके नीचे चारों वराइटीज को हम 30 अक्टूबर को लगा देंगे। दूसरे प्लॉट में चारों वराइटीज ए टू ऊपर हमने 30 अक्टूबर डिसाइड किया, ए वन 20 अक्टूबर डिसाइड किया, तो सेकंड वाले में सारी चारों वराइटीज हम 20 अक्टूबर को लगा देंगे, थर्ड वाले में चारों वराइटीज हम 15 नवंबर को लगा देंगे। तो ये पूरा बेसिकली हमारा मेन मेन प्लॉट होगा, ए थ्री, ए वन और ए वन ए टू वाला, उसके अंदर ये चार सब प्लॉट है जिनमें चार डिफरेंट वराइटीज लगाई गई। अगर ये सी आर डी हो तो ये यहाँ पर सारे के अंदर रेंडमाइज होंगे, ये तीनों ब्लॉक इकट्ठे एक बड़ा प्लॉट बनेगा, एकड़ कह लें पेयर कह लें, उसके अंदर सारे के अंदर हमारे जो है वो रैंडमाइज हो जाएंगे सारे के सारे ट्रीटमेंट्स। ठीक है जी, उसके बाद इसका नोवा टेबल है, अगर आप इसके नोवा टेबल में देखें तो जो मेजर चेंज आती है वो है ये एरर वन और एरर टू। पीछे अब तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डिस्कस किए हैं, सी आर डी, आर सी बी डी, लैटन स्क्वायर, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल अंडर सी आर डी, फैक्टोरियल अंडर आर सी बी डी, उन सब में एक ही दफा एरर आती है एंड के ऊपर। तो स्प्लिट प्लॉट में जितने आपके फैक्टर होंगे उतनी दफा एरर आएगी। ठीक है जी, सबसे पहले ब्लॉक जितनी रेप्लीकेशन थी उनमें से माइनस वन करेंगे तो ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, तीन रेप्लीकेशन थी ऊपर हमारे पास तो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई ब्लॉक की, अगर ये सी आर डी हो तो ब्लॉक नहीं आएगा। ठीक है जी, उसके बाद फैक्टर ए, जो फैक्टर सबसे लेस इंपॉर्टेंट होगा वो सबसे पहले आएगा, ये सादा लफ्ज में जो फैक्टर मेन प्लॉट में अप्लाई होगा वो सबसे पहले आएगा। ए के जितने लेवल थे तीन थे, उसमें से एक माइनस किया दो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, जैसे फैक्टोरियल में हम निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब उसके बाद है एरर वन हमने निकालनी। तो मेन प्लॉट के बाद हमने मेन प्लॉट में इंट्रैक्शन नहीं हम चेक करते, इंट्रैक्शन हम हमेशा सब प्लॉट में चेक करेंगे। तो मेन प्लॉट के बाद एरर वन, ये मेन प्लॉट की एरर है बेसिकली। अब एरर वन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालनी है, जो हमारे पास एरर से ऊपर जितने भी फैक्टर हैं, एक हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, आगे मैं नीचे एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको, ये टू है वो हमने उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है, अगर ज़्यादा हो तो उसको प्लस करते जाना है, प्लस करके एंड पे फाइनल पे ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए की टू है, टू प्लस इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ऊपर और कुछ नहीं है, ब्लॉक की टू है, टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो एरर वन आ गई फोर। ठीक है जी, उसके बाद बी फैक्टर के कितने लेवल थे, चार, चार वराइटीज थी, चार माइनस एक तीन। अब यहाँ पर सब प्लॉट के अंदर इंट्रैक्शन भी हम लिखेंगे, ए बी, तो ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम टू थी, बी की थ्री, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्स। अब एरर टू कैसे निकलेगा, दो मेथड है, एक तो ये है कि टोटल में से ऊपर वाले सारे माइनस कर दें, दूसरा मेथड ये है कि एरर टू के ऊपर और एरर वन के दरमियान जितने भी हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्लस करें। ठीक है जी, सिक्स प्लस थ्री नाइन, और ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये आ जाएगा 18, टोटल एन माइनस वन 35। एन कैसे निकालना है, आर इंटू ए इंटू बी, जो जैसे हम पहले निकालते हैं 36 एन टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ठीक है जी, ये आगे दूसरी एग्जाम्पल आ गई, उसको आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है वीट ब्रीडर वांट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ थ्री प्रोडक्शन फैक्टर, तीन फैक्टर है, प्लांटिंग डेट, वैरायटी एंड फास्फोरस ऑन द यील्ड ऑफ वीट। ही चूजेस थ्री लेवल ऑफ फैक्टर ए, ए वन, ए टू, ए थ्री, थ्री लेवल ऑफ फैक्टर बी, बी वन, बी टू, बी थ्री, एंड टू लेवल ऑफ फैक्टर सी, सी वन एंड सी टू। फर्दर वी सपोज दैट फैक्टर ए इज लेस इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है कि हम स्प्लिट प्लॉट लगाएंगे, फैक्टर बी इज इम्पॉर्टेंट एंड फैक्टर सी इज मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सी इम्पॉर्टेंट है, उससे कम बी, उससे कम ए, तो हम ए को मेन प्लॉट में लगाएंगे, उसके बाद अंदर सब प्लॉट बनेगा बी का और उसके आगे सब प्लॉट बनेगा सी का, जैसे लेआउट में आपको शो किया होगा। ठीक है जी, इसी तरह नोवा में सबसे पहले ब्लॉक आ गया, ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन ब्लॉक थे, इन तीन एप्लीकेशन थी तो दो आ गई, तो सबसे पहले जो सबसे कम इम्पोर्टेंट फैक्टर है ए वो आ गया, उसके कितने लेवल थे जी, यहाँ पर हम देखें तीन थे तो तीन में से एक गया दो, तो एरर वन मेन प्लॉट की एरर,
टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर, जैसे ऊपर हमने निकाली अभी। दूसरे नंबर पर फैक्टर बी आ गया, उसके तीन लेवल है, अगेन थ्री माइनस वन टू डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। अब चूंकि बी सब प्लॉट में है, यहाँ पर अगर आप लेआउट में देखें तो बी जो है सब प्लॉट में है, तो इसलिए हम वहाँ पर ए और बी का इंटरेक्शन भी आएगा। ठीक है जी, ए बी, तो ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टू बाई टू फोर। अब यहाँ पर एरर टू आएगी क्योंकि ये सेकेंड फैक्टर है बी। एरर टू के लिए जैसे मैंने बताया था, ऊपर वो जितने भी हैं उन दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्लस करेंगे। ठीक है जी, तो ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है, प्लस फोर है, टू प्लस फोर सिक्स हो गए, मल्टीप्लाई किससे करना है, ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू ट्वेल्व आ गई एरर टू। नेक्स्ट फैक्टर सी, फैक्टर सी के दो लेवल थे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आ गई वन, टू माइनस वन। उसके बाद सी को ऊपर जितने भी हमारे फैक्टर्स हुए हैं उनके साथ इंट्रैक्शन चेक करना है। तो सबसे पहले ए सी टू आ गया, बी सी अगेन टू आ गया, देन ए बी सी टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन फोर आ गया। अब एरर थ्री कैसे निकलेगी जी, इन तीनों की प्लस करेंगे, वन प्लस टू थ्री, प्लस टू फाइव, प्लस फोर नाइन, और मल्टीप्लाई कर देंगे ब्लॉक के साथ, एटीन आ गया। टोटल हमारे पास फैक्टर ए कितने थे जी, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाई फैक्टर बी भी थ्री, रेप्लीकेशन भी थ्री, और सी के टू, टोटल 54 एक्सपेरिमेंटल यूनिट थे, तो टोटल एन माइनस वन 53। ठीक है जी, अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं सी आर डी के साथ। ये देखें जी, अब हीट ब्रीडर वांट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ थ्री प्रोडक्शन फैक्टर, वही सेम क्वेश्चन। अब सी आर डी के साथ अगर हमने करना हो तो यहाँ पर ब्लॉक्स नहीं आएंगे। ठीक है जी, रेप्लीकेशन वन, रेप्लीकेशन टू, रेप्लीकेशन थ्री, तो अनोवा टेबल के अंदर से ब्लॉक निकल जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। सिर्फ बाकी कहाँ पर चेंज आएगी, क्योंकि ब्लॉक निकल गया है तो एरर वन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखें। बाकी सारे के सारे बी फैक्टर भी वैसे ही आएगा, ए बी भी वैसे ही आएगा, ए सी ए बी सी सारा कुछ वैसे ही आएगा, टोटल भी एरर भी। सिर्फ क्या हुआ है कि स्टार्ट में से ब्लॉक निकल गया है तो ब्लॉक की जो टू है वो माइनस हो जाएगी, और एरर वन को अगर हम देखें तो टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। ये अगेन वैसे ही हम निकालेंगे जैसे, यानी इसके हम एरर को निकालते हुए मल्टीप्लाई हमने टू से ही करना है, ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही करना है, लेकिन हम ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर वैसे ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर थ्री में, ए लेवल विद लेस इंपॉर्टेंट, बी के चार लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी के तीन लेवल है मोर इंपॉर्टेंट, डी के चार लेवल है मोर इम्पॉर्टेंट, ब्लॉक्स तीन। तो इस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। टोटल हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट सबको मल्टीप्लाई करके आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 निकल आए। सबसे पहले जो लेस इम्पॉर्टेंट है ए, उसको हम लिखेंगे। ठीक है जी, आर से बी डी है तो ब्लॉक्स भी आ जाएंगे, ब्लॉक थ्री माइनस वन टू आ गए, ए थ्री माइनस वन टू आ गए, एरर वन फोर आ गए, टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर आ गए। उसके बाद ए के बाद था जी डी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो डी के चार लेवल हैं तो तीन आ गया। उसके बाद ए का डी के साथ इंटरेक्शन छः आ गया, छः जमा तीन नौ जरब दो, एरर टू अठारह आ गई। उसके बाद सी है जी, सी क्योंकि मोर इम्पोर्टेंट है, सी के तीन लेवल हैं तो उसकी दो आ गई। अब सी का इंटरेक्शन ए के साथ, फिर डी के साथ, फिर ए डी के साथ, ऊपर जितने भी होंगे उन सब के साथ उसका इंटरेक्शन आता जाएगा। ठीक है जी, एरर इसकी कैसे निकलेगी, ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन प्लस फोर प्लस टू, ये आ गया 24, और ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। इसी तरह बाकी आगे चलते जाएंगे तो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इसी को हम, इसी क्वेश्चन को हम सी आर डी के अंदर ले जाएं तो ये ब्लॉक निकल जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलता रहेगा। ये एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे इसका आ गया हमारे पास एनालिसिस, इसकी किस तरह से किया जा सकता है, यानी टेस्ट द सिग्निफिकेंस, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड अप्लाई बॉस टॉप टेस्ट। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी सब टेबल बनाएंगे, जैसे फैक्टोरियल के लिए बनाते थे। ब्लॉक क्रॉस ए सब टेबल सिर्फ तब बनाएंगे अगर आर सी बी डी, स्प्लिट प्लॉट अंडर आर सी बी डी हो, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, फार्मूला जी एम का सेम फार्मूला है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, ग्रैंड मीन का, ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाई एन, फ्रैक्शन फैक्टर का सेम फार्मूला है, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर एन, टीएसएस का सेम फार्मूला है, जो सबसे बड़ा आपका मेन टेबल है उसकी सारी वैल्यू का स्क्वायर लेते जाना है, 24,
स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर सारे स्क्वायर लेके उसमें से हमने फ्रैक्शन फैक्टर को जो माइनस कर देना है तो टीएसएस हमारे पास निकल आएगी। फिर एसएस ब्लॉक के लिए ब्लॉक के जो मेन एंट्रीज है उनका स्क्वायर जो है उसको प्लस करना है। TSS का वही फार्मूला है जैसे बाकी डिजाइन के अंदर हमने पढ़ा है कि सारी जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेके उसमें से फ्रैक्शन फैक्टर माइनस करें। उसके बाद SS ब्लॉक है तो SS जो ब्लॉक वाला जो हमने टेबल बनाया है उसकी एंट्रीज ये जो ब्लॉक की सम है 222 का स्क्वायर प्लस 228 का स्क्वायर प्लस 224 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी माइनस फ्रैक्शन फैक्टर तो SS ब्लॉक निकल आएगा। फिर एस एस ए के लिए ए की जो एंट्रीज हैं उनका प्लस कर लेंगे ए फैक्टर की, ठीक है 231 प्लस 258 का स्क्वायर प्लस 185 का स्क्वायर और डिवाइड करेंगे बी क्रॉस आर। जिस चीज का हम एस एस फाइंड कर रहे हैं ऊपर हम रेप्लिकेशन और जितने भी फैक्टर हैं उनको लिख लेंगे, जिसका मालूम कर रहे हैं उसको स्किप करके बाकी दो को नीचे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो एस एस ए भी हमारे पास निकल आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे टी एस एस ब्लॉक क्रॉस ए सब टेबल, ये इसलिए हम निकालेंगे क्योंकि एस एस एरर वन में ये लगेगी। तो एस एस टी एस एस कैसे निकालेंगे, ये जो हमने सब टेबल बनाया इसकी इंडिविजुअल एंट्रीज का सबका स्केयर लेके प्लस करते जाएंगे और डिवाइड, क्योंकि ये ए क्रॉस ब्लॉक क्रॉस ए है तो सिर्फ बी नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद इसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू भी निकल आएगी। उसके बाद एस एस एरर वन का फार्मूला है टी एस एस ब्लॉक क्रॉस ए सब टेबल माइनस एस एस ब्लॉक माइनस एस एस ए, तो सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो एस एस एरर वन हमारे पास निकल आएगी। फिर फैक्टर टू एस एस बी निकालेंगे, अगेन वैसे ही आर क्रॉस ए नीचे आएगा और बी के जो सारी एंट्रीज हैं बी फैक्टर की उनको हम प्लस करते जाएंगे, ठीक है ये बी फैक्टर की एंट्रीज है 230 का स्क्वायर प्लस 173 का स्क्वायर प्लस 156 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर, एंड पे माइनस करेक्शन फैक्टर करके ये निकल आएगा। उसके बाद एस एस ए क्रॉस बी के लिए हमें चाहिए डी एस एस ए क्रॉस बी सब टेबल, तो जो ऊपर वाला हमारा टेबल है ये वाला इसकी हम एंट्रीज को ये स्क्वायर पर प्लस करते जाएंगे तो डी एस एस ए क्रॉस बी सब टेबल आ जाएगी, ठीक है जी। डी एस एस ए क्रॉस बी सब टेबल के लिए उसकी सारी एंट्रीज को प्लस करते जाएंगे आर से डिवाइड करेंगे और एंड पे माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास टी ए टी एस एस ए क्रॉस बी सब टेबल आ गई। उसके बाद एस एस ए क्रॉस बी इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे, उसमें टी एस एस ए क्रॉस बी सब टेबल की वैल्यू पुट करेंगे माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी, तो ये एस एस ए क्रॉस बी हमारे पास आ गई 146.28। उसके बाद एस एस एरर टू टी एस एस में से माइनस कर देंगे ऊपर वाली सारे एस एस जितने भी हैं, तो ये सारी वैल्यूज हम नोवा टेबल में पुट करते जाएंगे। नोवा टेबल के पहले दो ब्लॉक हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे आते हैं, ये ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आई, ए की 2 आई, एरर 1 4 आई, बी 3 आई, ए बी 6 आई, एरर 2 18 आई, 35 टोटल आई, जैसे बिल्कुल हमने ऊपर किए बिल्कुल वैसे ही। तो एस एस जितने भी थे वो हमने यहाँ पर फिर उनकी वैल्यू पुट कर दी, और एम एस जितने भी हैं वो बेसिकली एस एस को उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे 1.55 को 2 से, इसी तरह 227.05 को 2 से, 14.12 को 4 से, हर एस एस की रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो एम एस की वैल्यूज निकलती जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद एफ कैलकुलेटेड हमने कैसे कैलकुलेट करना है, एफ कैलकुलेटेड है सबसे पहले ब्लॉक का, तो ब्लॉक के नीचे जो पहली एरर है उसके साथ हम निकालेंगे, बाकी जितने भी हमने डिजाइन पढ़े हम हमेशा एम एस ई से डिवाइड करते होते थे, तो यहाँ पर एम एस एरर वन से ब्लॉक को डिवाइड करेंगे, ए को भी एम एस एरर वन से डिवाइड करेंगे। उसके बाद नीचे जितने भी आएंगे उनको टू से, ठीक है जी। एरर वन के नीचे बी फैक्टर है तो बी का कैलकुलेटेड वॉल्यूम करने के लिए हम एरर टू से उसको हम डिवाइड करेंगे, इसी तरह ए बी का भी टू से डिवाइड करेंगे। एफ टैब की वैल्यू हम टेबल से वैसे ही देखेंगे जैसे हम पहले डिजाइन में देखते रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिस्पेक्टिव प्लस डिग्री ऑफ इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ जो उसकी नियरेस्ट एरर होगी, ऊपर वालों के लिए एरर वन है नीचे वालों के लिए एरर टू है। तो अगेन वैसे ही अगर एफ कैलकुलेटेड बड़ा, अगर हम यहाँ पर देखें ब्लॉक एफ कैलकुलेटेड छोटा आ रहा है इसका मतलब ब्लॉक का इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, फैक्टर ए का एफ कैलकुलेटेड बड़ा आ रहा है इसका मतलब इसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, इसी तरह बी फैक्टर का भी बड़ा आ रहा है इसका मतलब सिग्निफिकेंट है, इंट्रैक्शन इफेक्ट जो है वो भी बड़ा आ रहा है इसका मतलब सिग्निफिकेंट है। तो सी भी यहाँ पर दो हमें निकालनी पड़ेंगी, एक मेन प्लॉट की एक सब प्लॉट की। मेन प्लॉट में ए फैक्टर हमारा था तो सी भी ए
MSE1 पहली जो MS हमारे पास एरर 1 की आई है वो हम लगाएंगे यहाँ पर नीचे ग्रैंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास 10.03% आ गई सी वी सब मेन प्लॉट की या फैक्टर ए के लिए। सी वी बी जो है वहां पर MSE2 लगाएंगे एरर 2 की, वो हमारे पास सब प्लॉट की सी वी आएगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है जी, तो इसी तरह एक एग्जांपल नीचे सीआरडी के लिए भी की हुई है, इसको आप खुद देख लें। यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉक वाला हमें टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, एसएस ब्लॉक नहीं निकालना पड़ेगा, रेप्लिकेशन क्रॉस है सब टेबल, बाकी सारे वही फार्मूले हैं, एसएस ब्लॉक निकल जाएगा तो बाकी सारी वैल्यू हम पुट करके नीचे नोवा टेबल में से भी एसएस ब्लॉक निकल जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सारे के सारे मैंने डिजाइन जो है अपलोड कर दिए हैं, फिर भी किसी के मुताबिक आपका कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्जाम के लिए मेरी तरफ से गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।